हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं लेसन प्लान फॉर्मेट क्या होता है, लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। लेसन प्लान बनाते समय स्टूडेंट्स को सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, क्लास टाइम एंड डेट लिखते हैं। तो रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिखोगे। सब्जेक्ट में आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बनाया है उस सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल, आपने हिंदी का लेसन प्लान बनाया है तो आप लिखोगे हिंदी। टॉपिक लिखोगे कि हिंदी में आपने कौन सा टॉपिक बनाया है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने संज्ञा के बारे में लेसन प्लान बनाया है तो आप टॉपिक में क्या लिखोगे, संज्ञा। क्लास लिखोगे कि आपने जो लेसन प्लान बनाया है वो कौन सी क्लास के लिए बनाया है। टाइम लिखोगे कि आपका जो लेसन प्लान है वो कितनी देर के लिए है, क्या टाइम है। जो रियल लेसन होते हैं उसमें जो टाइम है वो आप 35 to 40 मिनट लिख सकते हो। जो डेट है, आपने कौन सी डेट के लिए लेसन प्लान बनाया है वो आप डेट लिखोगे। नेक्स्ट, आप टीचिंग एड्स के बारे में लिखोगे। जो टीचिंग एड्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल एड्स एंड स्पेसिफिक एड्स। जो जनरल एड्स है इसको हिंदी में सामान्य सामग्री कहा जाता है, और जो स्पेसिफिक एड्स है इसको विशिष्ट सामग्री कहा जाता है। जो जनरल एड्स में आप क्या लिखोगे कि आप क्लासरूम में जो जनरल एड्स होते हैं उसमें चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, तो ये सब लिख सकते हैं। और जो स्पेसिफिक एड्स है तो आपने जो टॉपिक चूज किया है उसको बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए आप क्या यूज करोगे वो लिखोगे। जैसे कि आप चार्ट यूज कर सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई मॉडल बना सकते हो, या बच्चों को कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, तो ये आप स्पेसिफिक एड्स में लिखोगे। नेक्स्ट, आप लिखोगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। इसमें आप लिखोगे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। इसको हिंदी में अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है, जिसमें होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य एंड कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आपने लिखना होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इससे बच्चों के व्यवहार में क्या चेंज होगा, इससे बच्चों के जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ेगी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो उसका प्रयोग कर पाएंगे, और बच्चों के अंदर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल का विकास होगा। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य क्या है, इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट, आपने लिखना है पीके अज्यूम्ड या प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व ज्ञान अनुमान। इसमें आप लिखोगे कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में स्टूडेंट्स पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट, आप लिखोगे पीके टेस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, हिंदी में इसको लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान अनुमान में प्यूपिल टीचर ये मान के चलता है कि जो टॉपिक वो पढ़ाने वाला है उसके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो कितनी नॉलेज है ये जानने के लिए जो प्यूपिल टीचर है वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करता है। और पीके टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, जो पेज है उसको उसमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक तरफ आप लिखोगे पीटी एक्टिविटीज़ एंड जो दूसरा कॉलम होगा उसमें लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। तो पीटी एक्टिविटीज़ में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज है उसमें उनका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन और आंसर आप अपनी तरफ से ही अज्यूम करके चलेंगे। तो इसमें आप 4 to 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन आप पूछोगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछोगे, टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, और उसमें आगे लिख दोगे नो रेस्पॉन्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस आगे थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने आगे कोई आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट, आप लिखोगे अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, उपविषय की घोषणा। इसमें आप लिखोगे कि बच्चों आज हम डैश 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 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डैश डैश है उसमें आप जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन
हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपने जो पेज है उसको 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपने लिखना है कंटेंट, जो सेकंड कॉलम होगा उसमें लिखना है पीटी एक्टिविटीज़, थर्ड कॉलम में आप लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, एंड जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे विषय वस्तु, सेकंड कॉलम में लिखोगे छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम में आप लिखोगे छात्र क्रियाएं, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें लिखोगे शामपट कार्य। जो फर्स्ट कॉलम है जो कि जिसमें आपने कंटेंट लिखा है उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपने सिर्फ वो लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप संज्ञा पढ़ाएंगे तो आप जो कंटेंट है उसमें क्या लिखेंगे, संज्ञा। जो पीटी एक्टिविटीज़ है उसमें आप अब क्लास में संज्ञा पढ़ाएंगे तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे संज्ञा को, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, तो वो आप लिखेंगे पीटी एक्टिविटी में। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ है, जब आप पढ़ा रहे होंगे तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स भी कुछ तो कर रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे वो आप लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में। कि आप पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, तो आप लिख सकते हो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं इस, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो स्टूडेंट से तो फिर छात्र क्रियाओं में वो उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो उस आंसर को लिख सकते हो। इस टाइप से आपने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ लिखनी है। नेक्स्ट जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क या शामपट कार्य लिखना है, जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आप कुछ तो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, कुछ मेन मेन पॉइंट लिख सकते हैं या कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क का जो कॉलम है उसमें लिखेंगे। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप मार्केट से ब्लैक चार्ट ले सकते हैं, उस ब्लैक चार्ट को कट करके और जो कॉलम्स है फोर्थ कॉलम है उसमें आप लगा दीजिए और फिर उसके ऊपर लिखिए। इससे आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट आपने लिखना है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे विभागीय पुनरावर्ति। इसमें जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ाया है, जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है प्रेजेंटेशन। इसके लिए फिर दोबारा से आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं, और जैसे पहले लिखा था वैसे ही कंटेंट, पीटी एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। फॉर एग्जांपल यदि आपने संज्ञा टॉपिक चूज किया है तो संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स और इसका एक दो टाइप, ये आप जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी उसमें लिख देते हैं। विभागीय पुनरावर्ती में आप स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का उदाहरण दो, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आप लिखोगे। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दोबारा से स्टार्ट हो रही है, इसमें जो संज्ञा के टाइप्स रह गए थे उनको आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अंतिम कथन। इसमें आप लिखोगे कि स्टूडेंट्स आज हमने -- टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो जो भी आपने टॉपिक चूज किया है वो आप लिख दोगे इसमें -- में। नेक्स्ट आपने लिखना है फाइनल रिकैप्चुलेशन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे अंतिम पुनरावर्ती। तो इसके लिए आपने जो लेसन प्रेजेंट किया है, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखने हैं। इसमें आप 4 to 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है होम असाइनमेंट। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे गृह कार्य। होमवर्क में आप स्टूडेंट्स को जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए दे सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन घर से लिख कर लाने के लिए दे सकते हैं, या उनको कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दे सकते हैं। इस तरह आपने जो लेसन प्लान बनाया है उसमें लास्ट में स्टूडेंट्स को होमवर्क भी देना है। तो इस ये आप होमवर्क क्या होमवर्क देंगे वो लेसन प्लान में लिखना है। इस वीडियो में हमने लेसन प्लान का फॉर्मेट डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले लेसन प्लान का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, लेसन प्लान के स्टेप्स,
सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान से रिलेटेड सैम्पल फाइल्स अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो सैम्पल फाइल्स है आप उससे आइडिया ले सकते हैं, आपने उनको कॉपी नहीं करना है क्योंकि उसमें हो सकता है स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रखी हो। तो आप जस्ट उनसे आइडिया ले सकते हैं कि लेसन प्लान कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं।